हेलो एवरीवन वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड सेकेंडली थैंक यू सो मच हमें सेवन लाख सब्सक्राइबर्स के मार्क तक पहुंचाने के लिए हमारे टारगेट में हमारा साथ देने के लिए

सेफ रहता है वहां पर यू नो देर इज सिक्योरिटी जो श्योर sure करती है कि आपके जो भी हैं इन दैट लॉकर वो सेफ रहे दूसरा आता है कंपनसेशन की अगर कोई भी theft हो जाता है या फिर वो जो वो लूज हो जाते हैं तो बैंक का लाइव वो वेराइटी प्रोवाइड करती है जहां पर आप अपने कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि बैंक लॉकर के फायदे तो बहुत है लोग यूज भी कर रहे हैं तो अब यह न्यू रूल्स क्या है सबसे पहले तो आता है अलर्ट नोटिफिकेशन अब आप जब भी अपने बैंक के पास जाओगे और अपनी लॉकर फैसिलिटी को यूज़ करोगे ना तो जैसे ही आप वो फैसिलिटी को यूज़ करोगे उसके बाद आपके फ़ोन पे एक एसएमएस आएगा या फिर आपको एक ईमेल आएगा जो भी रजिस्टर्ड होगा आपके नंबर या ईमेल आईडी के साथ जिसमें ये कहा जाएगा कि आपने ये फैसिलिटी को यूज़ किया है इसका क्या पर्पज़ है कि आपकी जगह पर कोई और यूज़ ना करके आया हो आपने ही यूज़ किया हो इसका एक सेकेंड जिसको हम कहते हैं ना कि कॉन्फर्मेशन हो गया कि येस मैं ही गया था यूज़ करने एंड बैंक ने उस चीज़ को नोटिफाई कर दिया है दूसरा आता है कॉम्पनसेशन जब भी आप अपने कॉन्टेंट्स को रखते हो बैंक लॉकर्स के साथ तो अगर कोई भी थेफ्ट हो जाता है एंड बैंक की नेग्लिजेंस भी रहती है उसमें उस थेफ्ट या रॉबरी में तो उस केस में बैंक जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू पे यू हंड्रेड टाइम्स द प्रिवेलिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर एनुअल रेंट यानी कि आपका एक साल का जितना रेंट आप पे करते हो लॉकर का उसके हिसाब से बैंक आपको हंड्रेड टाइम्स है वो लूज होता है फायर yes, अगर हो जाती है या बिल्डिंग को लैप्स हो जाती है या कोई फ्रॉड हो जाता है तब भी बैंक आपको देने के लिए लाइबल है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मानकर चले कि आपका जो एनुअल रेंट है वो बैंक का लॉकर का दैट इज फाइव थाउजेंड एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है फाइव तो थाउजेंड का हंड्रेड टाइम्स कितना हो गया फाइव लाख रुपीज इसका बेसिक पर्पस यही है दैट बैंक नॉट हैज टू बी नेग्लिजेंस अगर वो नेग्लिजेंट है ना तो फिर तो ये कॉम्पनशन आपका कहीं नहीं गया तीसरा आता है सिक्योरिटी अब बैंक्स को ये बोला गया है कि जहाँ पर भी आपकी लॉकर फैसिलिटी है ना उसका एंट्री एंड एग्जिट एक ही होना चाहिए अलग नहीं अलग अलग नहीं होने चाहिए दूसरा उनकी लॉकर की फैसिलिटी इस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि बारिश फ्लड वाटर या फायर जैसी चीजों से वो वोल्ट जो है प्रोटेक्टेड रहे यानी कि मतलब अगर आ गया कोई बहुत ही बुरी नेचुरल कैलामिटी आ गई तो वो एक अलग बात है बट द पॉइंट इज दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके तो रखो वो प्रिवेंशन लेकर तो रखो बाद में क्योर का कोई फायदा नहीं है एंड आल्सो जो भी सीसीटीवी की फुटेज होगी ना वो बैंक्स अपने पास रखेंगे टिल 180 डेज अगर मान लो आपने कोई कंप्लेंट दी है कि मेरे इस पर्टिकुलर लॉकर के साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो और आपने पुलिस कंप्लेंट भी करी है तो इवन दो अगर 180 डेज से ज्यादा भी हो चुके हैं तब भी वो आपकी जो सीसीटीवी की जो उनकी फुटेजेस है उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉकर स्टैंडर्ड्स अब बैंक्स को ये एडवाइस कर दिया गया है कि अपने जो उनके बैंक लॉकर के रूल्स हैं वो उनको रिवाइज कर दें दे हैव टू कंफर्म टू द सेफ्टी बेंचमार्क जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ले किए हैं एंड दे ऑल्सो हैव टू कंप्लाई विद द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो कि आर ने ले डाउन किया है सो ऑल दीज बैंक्स हैव टू कंप्लाई विद दीज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो भी uh, क्या कहते हैं इन गवर्निंग रेगुलेटिंग बॉडीज ने ले डाउन किए हैं Okay. नेक्स्ट आता है हमारे पास जो न्यू रूल है दैट इज विद रिगार्ड्स टू द लॉकर रेंट लॉकर रेंट में अब हम ये बात करते हैं कि अगर आप अपना लॉकर रेंट नहीं दे पाते हैं तो उस केस में बैंक जो है वो आपका टर्म डिपॉजिट जो है उसको यूज कर सकता है लेकिन उसके केस में भी पहले मैं आपको बता दूं कि पहले के जो ड्यूरेशन होता था ना अगर आप रेंट नहीं पे कर पाते थे तो एक साल के बाद आपका जो लॉकर है उसको खोला जा सकता था मतलब बैंक खोल सकता था अब वो जो एक साल है ना उससे टाइम बढ़ चुका है थ्री ईयर्स तक यानी कि तीन साल तक अगर आप अपना रेंट नहीं पे करते हैं उस लॉकर का तो उस केस में बैंक जो है वो ब्रेक ओपन कर सकता है आपके लॉकर को एंड अगर आपका लॉकर इज नॉन ऑपरेशनल यानी कि आपने अपने लॉकर को ऑपरेट ही नहीं किया है सिंस सो मेनी ईयर्स तब भी वो उसको ओपन कर सकते हैं पहले के केस में ये टाइम पीरियड था कि अगर तीन साल तक आपने अपने लॉकर को ऑपरेट नहीं किया तो बैंक उस लॉकर को ओपन कर सकता है नाउ दिस टाइम इज बीन फ्रॉम टू इयर्स 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 सॉरी तक अगर आपने अपने लॉकर को ऑपरेट नहीं किया है उसके बाद ही बैंक जो है वो उसको ब्रेक ओपन कर सकता है उससे पहले नहीं कर सकता ऑल्सो कभी कभी जब आप एडवांस रेंट पे मतलब अब आपने लॉकर फैसिलिटी दी बैंक ने बोला कि अगर आप यू uh, नो you know, एक साल का अभी दे देते हो तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा समथिंग लाइक दैट और आपने पाँच हजार रुपये जो है अपनी लॉकर फैसिलिटी के लिए दे दिए बट आपको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा कोई भी रीजन है कि आपको वो फैसिलिटी जो है वो विड्रॉ करनी है तो अगर आपने सेवन मंथ्स तक ही वो फैसिलिटी को यूज किया है तो जो भी आपने एडवांस रेंट पे किया है बैंक इज लाइबल टू गिव यू बैक दैट रेंट जो आपने एडवांस में पे कर दिया है एंड आपका टर्म डिपॉजिट सिर्फ तभी ही यूज होगा अगर आप अपने रेंट पे डिफॉल्ट करते हो एंड अब तो उसका टाइम जो है वो इंक्रीज हो चुका है फ्रॉम वन टू थ्री ईयर लास्टली हमारे पास आता है नॉमिनेशन नॉमिनेशन में क्या है कि बैंक अब नॉमिनेशन फैसिलिटी भी ऑफर करते हैं नॉर्मल नॉमिनेशन फेसिलिटी भी हो सकती है या हर बैंक का अपना एक फॉर्मैट यू नो एक फॉर्म हो सकता है जो आपको फिल करना है कि आपके एबसेंस में वो जो लॉकर फेसिलिटी है वो किसको नॉमिनेट हो जाएगी या किसको मिल जाएगी इसके अलावा आरबीआई ने एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो कस्टमर्स के लिए भी बोली हैं उन्होंने बोला है कि क्योंकि फ्लड्स आ जाते हैं बैंक जितनी भी मर्जी कोशिश कर ले बट एज अ कस्टमर आपको भी अवेयर रहना चाहिए तो कोशिश करो कि आप लोअर टीयर्स में अपने लॉकरस को ना रखो हायर टीयर्स में रखो सो so दैट आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो डैमेज ना हो जाए फिर साइन करने से पहले लॉकर फैसिलिटी को आपको ये मेक श्योर sure करना है दैट जो भी आपने लॉकर चूज किया है उसका साइज अप्रोप्रिएट है यानी बिकॉज वंस इट इज साइंड इट विल बी अलॉटेड टू यू नेक्स्ट आता है दैट जिप लॉक्स में अगर आप डॉक्यूमेंट्स को रखो अगर आपको लगता है कि वो यू you नोट know, मॉइस्चर से खराब हो सकता है तो आफ्टर ऑपरेटिंग द लॉकर मेक श्योर दैट यू क्लोज इट प्रॉपरली ऑफ कोर्स ये आपके बैंक की भी रिस्पांसिबिलिटी है बट उससे ज्यादा बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आपकी है कि आप अपने लॉकर को अच्छे से बंद करें एंड जो भी आपका सामान आपके लॉकर में पड़ा है उसकी एक लिस्ट जो है वो भी आपको बनानी है इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट रूल था वो ये है कि जो भी नया ये नया न्यू रूल्स आए हैं ये स्टैम्प ड्यूटी के साथ ही आपको आपके बैंक के साथ एक नए एग्रीमेंट पे लिख कर लेने हैं दैट नाउ वी आर स्विचिंग टू द न्यू रूल ये पहले एक्चुअली पहले था दैट आपको ये नए रूल्स पे शिफ्ट होना है पर अब तो आर ने मैंडेटरी ही कर दिया है सो so

कंटेंट्स हैं वो लूज या डैमेज होते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लामिटी देखो अगर नेचुरल क्लामिटी से कुछ होता है ना तो उस केसेज में बैंक लाइबल नहीं है आई नो मैंने बोला है कि फ्लड्स के केस में या फिर फायर इनके केस में बैंक्स लाइबल होती है बट ओनली इफ बैंक इज हाईली नेग्लिजेंट एंड इट हैज़ नॉट टेकन प्रॉपर ड्यू केयर या फिर प्रिकॉशंस सो दैट ये चीज़ें ना हो सकें एंड ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर फ्लड आ चुका है तो वो पहले ही कोशिश करे कि उस से जो लॉकर फैसिलिटी है वो खराब ना हो सिर्फ वर्स्ट केस में का क्लेम नहीं मिलेगा नहीं तो हर केस में आपको वो क्लेम मिल जाएगा अगर आपकी लॉकर की आप खो देते हो तो उस केस में क्या होगा अगर आप अपनी लॉकर की खो देते हो तो मतलब मिस हो जाती है आपसे तो आप अपने ब्रांच को इमीजिएटली कॉन्टैक्ट करें ताकि यू नो दे टेक फर्दर क्या कहते हैं स्टेप्स ताकि आपके प्रोसेस को और भी स्पीड अप किया जा सके तो जो भी वो लॉकर के चार्जेस होंगे मतलब पहले दे बिल कन्फर्म कि आप ही उसके हायरर हो एंड आप अगर आपको बाद में चाबी मिल जाती है सो यू हैव टू रिटर्न इट टू द बैंक दे हैव टू मेक श्योर दैट यू आर द सोल यू नो ओनर ऑफ दैट लॉकर दैट इज़ बीन परचेज तो उसके ड्यू मतलब जो भी उनका एक प्रोसेस होगा आप आप अपना लॉकर ऑपरेट कर सकते हो लास्टली आता है वॉट हैपन्स टू द लॉकर कंटेंट्स इफ आई फेल टू पे द लॉकर रेंट कि अगर आपने लॉकर रेंट पे नहीं किया है तो उसके अंदर जो कंटेंट्स पड़े हैं उसका क्या होगा देखो इससे पहले कि वो कंटेंट्स बैंक रिट्रीव करके खुद के पर्पसेस के लिए यूज करें बैंक आपको नोटिस भेजता है पोस्ट के थ्रू ई के थ्रू एंड एस के थ्रू अगर आप तब भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो वो न्यूज में एक पब्लिक नोटिस भी निकालता है जहां पर वो आपको बोलता है दैट इफ यू डू नॉट रिस्पोंड बैक वी विल ओपन योर लॉकर अगर आप तब भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हो एंड जो प्रिस्क्राइब लिमिट आरबीआई ने फिक्स की है वो भी एक्सपायर हो जाती है तो उस केस में बैंक आपको लॉकर ओपन भी कर सकता है एंड आपके कॉन्टेंट्स को रिट्रीव भी कर सकता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट